सीधा रुख करेंगे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा शहर की तरफ, जहां लगातार विकराल रूप लेती जा रही है कोरोना महामारी। लगातार मौतें हो रही हैं। विरोध में जिला प्रशासन द्वारा जारी लापरवाही और अव्यवस्थाओं को देखते हुए विधायकों का धरना प्रदर्शन देखा गया है। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, विधायक सोहन बाल्मीक, सुनील उइके, नीलेश उइके, विजय चौरे और कमलेश शाह धरने पर बैठ गए। विधायकों की मांगों में सम्मिलित था कि जिला अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं के संबंध में पूर्व में लगातार जिला प्रशासन और प्रभारी मंत्री के आने पर उन्हें भी जिले के सभी विधायकों ने ज्ञापन देकर व्यवस्थाएं बनाने की मांग करी थी। प्रभारी मंत्री के आने से जनता में उम्मीद जगी थी अब व्यवस्थाएं कुछ सुधरेंगी, मगर व्यवस्था में कोई भी सुधार नहीं हुआ। जिले में ऑक्सीजन का टोटा बना हुआ है, जल्द से जल्द उसकी कमी पूरी कराई जाए। प्रदेश सरकार भी छिंदवाड़ा जिले के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, ऐसा भी कहना था सभी का। और अंततोगत्वा अन्य जिलों में जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकता के आधार पर अस्थायी कोविड सेंटर तैयार किए जा रहे हैं, किंतु छिंदवाड़ा जिले में अत्यधिक मरीज होने के बावजूद भी कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। वह विकास खंड स्तर पर शमशान घाट पर शवों को जलाने के लिए जगह कम पड़ रही है। इतने सारे मुद्दों को लेकर सभी धरने पर बैठे और अपनी मांग मनवाने और सुधार देखने हेतु सभी आतुर दिखाई दिए। आप लोग पहले आते थे हमारे पास, भैया बेड दिला दो, इंजेक्शन दिला दो। आज मेरे पास ऐसे चार फोन आए हैं जो ये कह रहे हैं, भैया बेड और इंजेक्शन तो दोनों, हमारी मैयत पहले करा दो। ये स्थिति मौत का तांडव पूरे जिले के अंदर हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से विफल है और उनकी नाकामी के कारण आज जिले में मौत का तांडव हो रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। और जब तक व्यवस्था नहीं बनेगी, जब तक समस्त विधायक करें, क्योंकि हम सब लोग माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में गांधी जी के अनुयायी हैं, हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। लोग हमारे घर में आ रहे हैं, लोग हमारे घरों में आ रहे हैं, क्या करें? इसको देखते हुए आज हम सब विधायक हैं, अपने क्षेत्र की अपनी अपनी बातों को लेकर निर्भर करेंगे और जब तक व्यवस्था नहीं होगी तब तक यह क्रम जारी रहेगा। और आपके माध्यम से प्रशासन को भारतीय जनता पार्टी को हम बता देना चाहते हैं कि अभी हम लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, अभी हम शासन के नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन घर में घुस के बैठ के अपनी जनता को मारने के लिए अगर जरूरत पड़ी R9 भारत के लिए मोहम्मद अल्ताफ, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश।